हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुलसी स्टडी स्टडी ग्लोसा और स्वागत है आप सभी का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल के लेक्चर 2 में। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स की। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो का। और हमारी और जो प्लेलिस्ट चल रही है और जो ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, जैसे एमएस वर्ड 2019 है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की क्लासेस हैं, उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेसिक्स ऑफ मैथ्स की चल रही है, जीके एंड करंट अफेयर्स की, टॉप 10 फैक्ट्स की, बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही हैं, कुछ कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खबरी पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है सी लैंग्वेज के एक प्रोग्राम का? जैसे हमें हेलो वर्ल्ड एग्जांपल लेना है, एक प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं। आ सी प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: प्री प्रोसेसर कमांड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, कमेंट्स। जैसे ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमने पहले जो लिया है ये है हैश इंक्लूड, ये है प्री प्रोसेसर कमांड। उसके बाद stdio और dot h लिखा है। ये क्या है? ये बता रहा है कि ये जो है हेडर फाइल्स हैं, और ये एक हेडर फाइल्स है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। और ये मेन फंक्शन है int, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन हमने एक बना लिया। और ये जो स्लैश और हैशटैग के बीच में लाइन लिखी है, ये है एक कमेंट जो रन टाइम में कोई फर्क नहीं करेगी। उसके बाद प्रिंट एफ एक फंक्शन ले लिया, उसके बीच में हमने डबल कोट्स में अपना जो प्रिंट करना है वो लिख दिया, और बाद में बैक स्लैश एन लगा दिया, इसका मतलब है न्यू लाइन। तो हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया, और रिटर्न जीरो, रिटर्न एक फंक्शन है जो कि वैल्यू करेगा जीरो, रिटर्न वैल्यू करेगा। ओके, उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। तो ये एक सिंटेक्स हो गया छोटे से प्रोग्राम का, या फिर हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द अबव प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया, द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? हैश इंक्लूड stdio.h। तो इसका क्या मतलब है? इज अ प्री प्रोसेसर कमांड विच टेल्स अ सी कंपाइलर टू इंक्लूड stdio.h फाइल बिफोर गोइंग टू एक्चुअल कंपाइलेशन। तो एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले कहाँ पे जाना है? इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स में आना है, जिसका नाम है stdio.h। तो उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। उसके बाद द नेक्स्ट लाइन int main, ये हमने एक मेन फंक्शन बना दिया जहाँ से जो हमारे प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, शुरू होगी। देन नेक्स्ट लाइन, इसमें क्या है कि स्लैश एस्ट्रिक स्लैश, इसके बीच में जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो एज अ कमेंट लेगा उसको, और वो रन टाइम में प्रोसेस नहीं होगा, वो इग्नोर कर दिया जाएगा कंपाइलर के थ्रू। तो ये क्या है? कमेंट है जिसे हम अपने यूज़ के लिए, अपने समझने के लिए लिख लेते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता। उसके बाद में द नेक्स्ट लाइन प्रिंट एफ क्या है? एक फंक्शन है जो कि आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज होता है। इज अनदर फंक्शन अवेलेबल इन सी लैंग्वेज विच कॉजेज द मैसेज हैलो वर्ल्ड। जैसे हमने हैलो वर्ल्ड इसके अंदर में लिखा था, तो ये प्रिंट हो जाएगा, टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ओके, द नेक्स्ट लाइन रिटर्न जीरो टर्मिनेट्स द मेन फंक्शन एंड रिटर्न्स द वैल्यू जीरो। तो इसमें क्या होगा? यहीं पे हमारा जो फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो ये रिटर्न फंक्शन है ये वैल्यू जीरो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम। लेट अस सी हाउ टू गिव द सोर्स कोड इन अ फाइल एंड हाउ टू कंपाइल एंड रन इट। फॉलोइंग आर द सिंपल स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने के एक प्रोग्राम को, ठीक है, वो हमें देखना है। यहाँ पे ओपन अ टेक्स्ट एडिटर एंड एट द अबव मेंशन कोड। हमें सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे नोटपैड करें या टेक्स्टपैड करें, जिसमें हम अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। ये प्रोग्राम उसमें टाइप कर देना है आपको। सेव द फाइल एज hello.c। आप किसी भी नाम से सेव करें, अपने नाम से, हेलो से, या फर्स्ट प्रोग्राम, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन बाद में .c आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये क्या है? इसकी एक्सटेंशन। ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट एंड गो टू द डायरेक्टरी वेयर यू हैव सेव द फाइल, ठीक है। ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, गो टू द डायरेक्टरी वेयर यू हैव सेव द फाइल, और उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे आपने अपनी फाइल को सेव किया था। टाइप gcc hello.c एंड प्रेस एंटर टू कंपाइल योर कोड।
हमें अपना कंपाइलर का लिखना है और hello.c। आप gcc या कंपाइलर यह है जो यूज़ कर लेता है, अदरवाइज आप जो भी कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसका लिखिए और hello.c अपनी फाइल का नाम लिखिए, देन प्रेस एंटर टू कंपाइल योर कोड। इफ देयर आर नो एरर्स इन योर कोड द कमांड प्रॉम्प्ट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लाइन एंड वुड जनरेट ए डॉट आउट एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगी तो आपका जो है कोड कन्वर्ट कर दिया जाएगा और कंपाइल करके रन कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। नाउ यू टाइप ए डॉट आउट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कंपाइल होने के बाद, यू विल सी द आउटपुट हैलो वर्ल्ड प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, और आपको स्क्रीन पर अपना आउटपुट हैलो वर्ल्ड दिखाई देगा। टोकन्स इन सी। टोकन्स क्या होते हैं? सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन्स एंड अ टोकन इज आइदर अ कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, अ कांस्टेंट, अ स्ट्रिंग लिटरल और अ सिंबल। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 5 टोकन्स। अ सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टोकन, इसमें बहुत सारे टोकन्स हो सकते हैं, वो चाहे कीवर्ड हो, आइडेंटिफायर हो, कॉन्स्टेंट हो, स्ट्रिंग हो, लिटरल या फिर सिंबल। इन सभी को हम क्या कह देते हैं? टोकन कह देते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं कीवर्ड या फिर हमने कोई वेरिएबल्स के नेम्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, लिटरल्स हैं और अ सिंबल। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 टोकन्स। जैसे सबसे पहले क्या है? प्रिंटफ, हेलो वर्ल्ड, ये हमने अंदर लिख दिया इसके क्या जो हमें प्रिंट करना है, और ये प्रिंटफ क्या है? एक फंक्शन है, तो इसको भी टोकन कह सकते हैं। द इंडिविजुअल टोकन्स आर, जैसे हमने प्रिंटफ, हेलो वर्ल्ड और ये हमारा एक टोकन हो गया। उसके बाद में सेमीकोलन का क्या यूज होता है? इन सी प्रोग्राम द सेमीकोलन इज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जब हमारी कोई स्टेटमेंट फिनिश होती है, कंप्लीट होती है, तो हम उसके बाद में सेमीकोलन लगाते देते हैं। उसका क्या मतलब है? दैट इज ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद सेमीकोलन, इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ वन लॉजिकल एंटिटी। विन बिलो आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। जैसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हैं, प्रिंटफ एक फंक्शन है, उसके अंदर में हमने अपनी प्रिंट होने वाली लाइन लिख दी और सेमीकोलन लगा दिया, तो वो हमारी लाइन यहाँ पे टर्मिनेट होगी। उसके बाद हमने एक रिटर्न फंक्शन बनाया और वहाँ पे जीरो वैल्यू लिख दी, और फिर से हमने, तो जहाँ पर हमारा एक फंक्शन खत्म हो रहा है वहाँ पे हम अगर सेमीकोलन लगा देंगे तो मतलब ये हो जाएगा कि वो वहीं तक है काम, उसके बाद दूसरा काम शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद में कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? जो हम स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश के बीच में जो भी लिखते हैं वो एज ए कमेंट लेता है कंपाइलर उसको, और उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, उसको सिर्फ हम अपने समझने के लिए यूज करते हैं। आइडेंटिफायर्स। असी आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। जब हम किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का या फिर किसी अदर यूजर डिफाइंड आइटम का नेम देते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं आइडेंटिफायर। एंड आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद द लेटर a to z, कैपिटल हो या स्मॉल हो, और एन अंडरस्कोर, या फिर तो फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर वो ABCD स्टार्ट होगा। नंबर्स से कभी स्टार्ट नहीं होगा कोई भी आइडेंटिफायर। नंबर्स हम बाद में यूज कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर होगा या फिर ABCD होंगी। सी डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर्स सच एज, क्या होता है, $%, विद इन आइडेंटिफायर। हम आइडेंटिफायर में ये सारे सिंबल ये नहीं यूज कर सकते, बस अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं। सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये क्या है? केस सेंसिटिव मींस कि अगर हमने कैपिटल में लिखी है कोई चीज और वही सेम चीज हमने स्मॉल लेटर में लिखी है तो दोनों का मीनिंग अलग होगा। ओके, जैसे हमने एक लिख लिया, एक वेरिएबल ले लिया कैपिटल a = 10 और एक वेरिएबल ले लिया हमने स्मॉल a = 20, तो दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी क्योंकि हमने दोनों ही एक कैपिटल में लिया, या हम दोनों को 10-10 भी अगर दे दें, स्मॉल a = 10 और कैपिटल a = 10, तो दोनों वैल्यू दो बार ली जाएंगी क्योंकि एक बार स्मॉल है, एक बार कैपिटल। तो कैपिटल और स्मॉल का मतलब अलग अलग होता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मैन पावर एंड मैन पावर, ये दोनों चीज़ें अलग आएंगी क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आ रहा है और यहाँ पे सारा स्मॉल आ रहा है। ये सारे आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल्स हैं जैसे हम दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के, जो इसकी लाइब्रेरी में पहले से बने हुए हैं।
इट मे नॉट बी यूज एट कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स ऑन एनी अदर आइडेंटिफायर, जिनको हम यूज नहीं कर सकते अपनी तरफ से, वो उसमें जो मीनिंग के जिस मीनिंग के लिए यूज है, जिस मीनिंग के लिए उसमें रिटन है पहले से, वही मीनिंग के लिए यूज होंगे। जैसे ब्रेक है, ऑटो है, एल्स है, इफ है, लॉन्ग है, स्विच है, ब्रेक है, वो सारी चीज़ें अगर पहले से यूज है तो हम उसको वेरिएबल का नेम देंगे तो नहीं लेगा। वाइट स्पेस इन सी, अ लाइन कंटेनिंग ओनली वाइट स्पेस पॉसिबली विद अ कमेंट इज नोन एज अ ब्लैंक लाइन एंड अ सी कंपाइलर टोटली इग्नोर्स इट। अगर हमारा कोई भी ब्लैंक स्पेस बीच में आ जाता है तो कंपाइलर उसको नहीं लेता है, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, जैसे हमने ये लाइन यहाँ पे खत्म हुई है और यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा और दूसरी लाइन यहाँ पे लिखी है, तो बीच की लाइन को वो नहीं लेगा, उसको इग्नोर कर देगा। वाइट स्पेस इन द टर्म्स यूज इन सी टू डिस्क्राइब ब्लैंक्स, जो भी हमारे ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, टैब्स होते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, उनको इग्नोर कर देता है सी कंपाइलर। वाइट स्पेसेस सेपरेट्स वन पार्ट ऑफ ए स्टेटमेंट फ्रॉम अनदर एंड इनेबल्स द कंपाइलर टू आइडेंटिफाई वेयर वन एलिमेंट इन अ स्टेटमेंट सच एज आईएनटी एंड्स एंड द नेक्स्ट एलिमेंट बिगिंस। जैसे हमारा इंटीजर टाइप का एक एज वेरिएबल ले लिया, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वाइट स्पेस कैरेक्टर यूजुअली अ स्पेस। तो अगर हमें ये इंटीजर हमने टाइप लिखा है उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखा है तो बीच में एक स्पेस लेना जरूरी है। नो वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर नेसेसरी बिटवीन फ्रूट एंड इक्वल टू और बिटवीन इक्वल टू एंड एप्पल्स, ऑल्दो यू आर फ्री टू इंक्लूड सम इफ यू विश टू इंक्रीज रीडेबिलिटी। तो अगर हम इसको यहाँ पे स्पेस नहीं भी लेते हैं तो भी चल जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पेस देना जरूरी है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। तो ये था सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और सिंटेक्स, उसके सारे कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और हमारे जो ये ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं और प्लेलिस्ट चल रही है एमएस वर्ड 2019, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जूनियर मैथ्स, जीके एंड करंट अफेयर्स, टॉप 10 फैक्ट्स, इन्हें जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।